ड्राइवर के लिए कंफर्टेबल है और आराम से सफर कर सकते हैं। यानी कि झूले देती है ड्राइवर को? झूले क्या देती है, मैं कहता हूँ लोरी देती है। लोरी में देती है गियर शिफ्ट में ये। इसमें फ्रिज भी लगी हुई है, अच्छी फ्रिज है, बड़ी वाली। आपकी कंपनी में ये नई गाड़ी आई है? जी जी, ये आप हमारा कफील है। क्या नाम बताएं इस गाड़ी का, नाम क्या है? नाम इसका है MP4। MP4 5 नहीं, MP4 है। MP4 है, MP4 है। अच्छा, कौन से मुल्क की है भाई ये? जर्मन का गाड़ी है। अच्छा, 1848 जर्मन की गाड़ी है। अभी तीन आई है, तीन में पीछे आ रही है और गाड़ी भी ली है। और भी ली है? हाँ जी। यानी कि आपका शरीर अभी तरक्की कर रहा है, गाड़ी नहीं ले रहा है? शरीर अभी ऊपर जा रहा है। अच्छा, ऐसा ऐसा। तो गाड़ियाँ तो नई, अभी तो कानून के मुताबिक भी नई गाड़ी होनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। तो ये अकल पहले से इनको आई है कि हम लोग पहले से नई बना रहे हैं। वो कौन सी है वो वाली? वो जफारी का गाड़ी है, इधर सऊदी का। यानी कि सऊदी में तैयार होती है? सऊदी में तैयार है। जर्मन की? जर्मन की। यानी कि इसकी कज़न है इसकी? बस वो उसकी फिटिंग इधर है। अच्छा, वो बाकी है वो। दोनों में फर्क क्या है, इनमें दोनों में फर्क क्या है? उसमें इसमें? उसमें इसका आगे पे बैलून है, उसका कमानी है। अच्छा, वो कमानी वाली है, इसका बैलून है। थोड़ा जंप है, ये ड्राइवर के लिए अच्छा गाड़ी है, ड्राइवर के लिए। अच्छा, जंप शंप नहीं मारती इसमें? बिल्कुल सैमसंग मर्सिडीज कार में जाना है। अच्छा, यानी कि मर्सिडीज कार में आप जा रहे हैं? ये बैटरी इसके पीछे है और इसके अलावा टायर इसके वही 1120। अभी टायर चेंज होंगे, ये आगे छोटा टायर है वो बड़े टायर लगाएंगे। उधर मेरा कफील आ रहा है, जरा उसको पकड़ते हैं। ये दूसरे नंबर वाली है, काफी ऊंची गाड़ी है, देखो ना। एक फुट गाड़ी बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वालेकुम सलाम। आ जाएं सामने, आ जाएं, तस्वीर आपकी नहीं आ रही है। अच्छा, ये मेरा कफील भी है, इसी ने मुझे वीजा दिया था और मैं यहाँ पे आया था 2015 में। राणा साहब, गाड़ियाँ पसंद आई हैं? ये भाई जान, अभी कल ही गाड़ी आई है। कल आई है? और क्या नाम है, सारी पुरानी गाड़ी हमारी कंपनी फिनिश कर रही है। अच्छा, नहीं ले रही है। और ये नई ले रही है। वैसे इसका रंग खूबसूरत है, आके देखो ना। ये गाड़ी अच्छी है, बम्पर वगैरह, ड्राइवर के लिए कंफर्टेबल है और आराम से सफर कर सकते हैं। यानी कि झूले देती है ड्राइवर को? झूले क्या देती है, मैं कहता हूँ लोरी देती है। लोरी में देती है गियर शिफ्ट में ये, ऑटोमेटिक। अच्छा, ऑटोमेटिक गाड़ी है? ऑटोमेटिक गाड़ी है। अच्छा जी, टायर ड्राइवर के लिए बहुत फायदेमंद है। क्लच लाइट नहीं है। आपको सऊदी में कितना टाइम हुआ? मुझे हो गए 13 साल। 13 साल में क्या आपने सोचा जर्मन की गाड़ी अच्छी है या? 13 साल के अंदर भाई जान, मैंने 3 साल चलाई थी LP, बकाया जर्मन की चलाई। जर्मन की चलाई है, ड्राइवर के हक में बहुत अच्छी है। यानी ड्राइवर को जंप शप नहीं मारती? नहीं मारती, बहुत जबरदस्त है। उछल कूद नहीं करती? सुकून दे, सर्विस है ये बहुत अच्छी। ये कितना चाल के आती है, कोई अंदाजा है उधर जर्मन में? ये कम से कम 5 साल चल के आती है। 5 साल चलती है, बाद में आती है? बाद में आती है। यानी पहले 5 साल चलती है, अभी 3 साल। अभी 3 साल चल, अभी 3 साल चल। ये कौन सा मॉडल है अभी अंदाजा है? ये 20 मॉडल। 20 220 है? 220 है। यानी कि उधर ये मुश्किल से 2 साल चली होगी फिर, मुश्किल से। जैसे कंडीशन तो नहीं लग रही, जो ये 6 महीना भी चली हो कहीं, ना कोई स्क्रैच है ना कोई। ये कैचर में भी कोई मतलब हाथ लगाता है ना, कैचर भी इसके साफ है। 48, ये कितना लिखा हुआ है? 1842। ठीक है सर जी, मेरे लिए मेरी चाय बन गई है। चाय बन गई आपकी? ये मेरा कफील है यार, शर्मीला सा है यार, शर्माता है हल्का। तो इसका बम्पर काला है, बल्कि जाली इसकी काली है। बाकी आगे बाकी इसके जो है ना, ये शेप अच्छी दी हुई है, ये सफ़ेद और नीचे पता नहीं क्या क्या। और 1 फुट ऊंची होगी ज़मीन से, ये 1 फुट कम से कम इतना ही होगा, 15-16 इंच तक होगी ये ज़मीन से जो ऊंची है। इसका जाली काली है, बाकी सफ़ेद है, और इसकी जाली भी काली है और बम्पर भी इसका काला है। फुल केबन गाड़ी है, यानी कि केबन इसका बड़ा है कदरी उसके। वो जो खड़ी है ना, वो यहाँ पे सऊदी में तैयार होती है, उसका केबन जो है ज़रा छोटा है,
जिसको फुल केबन कहते हैं, तो ऐसी बात है ना। अभी शीशों के बगैर भी आ रही हैं, कभी वो लेके आए, वो MP5 है, वो MP5 उसको बोलते हैं। अच्छा, टायर इनके वही 1120 वाले टायर हैं, ज़रा हैं तो पुराने पुराने, थोड़े बहुत चलती हैं ना उधर, तो टायर तो ज़हर बात है चलने की वजह से, क्योंकि जर्मन का कानून है कि आपने 3 साल 4 साल 5 साल गाड़ी चलानी है तब आप बेच सकते हैं किसी को, ठीक है, वो बेचते ही नहीं है। हमारा साल माल दूसरी। अच्छा जी, ये इमारत है, मतलब ये शोरूम है जहाँ से इन्होंने गाड़ियाँ ली है, और हमारा जो कफील है वो भी दूसरी कबीले का है, तो उसने अपना कोई चाचा, कोई भाई, कोई रिश्तेदार ढूंढा होगा जिसका ये शोरूम है, तो वहाँ से ये गाड़ियाँ परचेज़ की हैं, ख़रीदी हैं। और देखें, ज़मीन से भी 1 फुट ऊँची है और ऊपर से भी कम अज़ कम 1.5 फुट जो है ना ये छत से नीचे होगी, 1.5 फुट का फासला होगा, काफ़ी ऊँची गाड़ी है। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसके बैलून बहुत ज़्यादा हैं, और ये शॉक लगा हुआ है, इसके आगे अगर जाली हम तो नहीं खोल सकते क्योंकि इसमें अभी अंदर से हो सकता है खुलती हो जाली, तो अंदर भी इसके आगे के साइड में भी बैलून रहते हैं, ठीक है जी। डीजल के टैंक की बात करें तो ये मेरे ख्याल में 400 का तो ये होगा, 430 का है, 430 की ये टैंकी है, 820 का वो है, 820 की वो टैंकी है। और टर्न प्लेट देख लें, टर्न प्लेट से लगता है कि ये गाड़ी 10 दिन भी नहीं चली। अच्छा, इन्हीं गाल है ना, उधर भी ऐसे लोग खड़ा कर लेके खड़ा कर देते हैं ना, हमारे मतलब खरीद के खड़ा कर देते हैं, बाद में फिर बेचते हैं। हाँ, गाड़ी खरीदी, खड़ी कर दी, ऐसे भी है ना, और फॉर्मेलिटी जब पूरी हो जाए फिर बेच दी, इसलिए गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आती हैं। देखें इनके मोटर का, इनको रफ रफ कहते हैं अरबी में, पाकिस्तान में तो हम इनको मोटर गार्ड कहते हैं, हाँ मोटर गार्ड भी कहते हैं, और चिकड़ जाल भी, चिकड़ जाल तो खैर नीचे होता है। बहरहाल ये भी इनसे भी लगता है कि गाड़ी बिल्कुल नई है, और बोश बोश भी इनकी उसकी सही है, तो कह रहे हैं कि मतलब ये है कि उधर खड़ा रहता है गाड़ी, ज़्यादा खड़ी रहती है इनके। अच्छा जी, फिलहाल तो ये 3 आई है, 1 2 और ये 3, 7 गाड़ी और भी है, 10 गाड़ी सुबह। अच्छा, लाख हुई पड़ी है ये, ठीक हो गया। ये शाम को लड़के लेके आए हैं यहाँ पे, और उसके बाद अभी इनकी लगेगी सेफ्टियाँ, जैसे वो आप देख रहे हैं येलो कलर की लोहे की, इसको सेफ्टी लगेगी यहाँ पे टैंकर के साथ, और उसके अलावा थोड़ा सा इसका काम होगा, 15-20 दिन 10 दिन लग जाएंगे इसको स्टिकर लगने में, और इसकी मेंटेनेंस थोड़ी बहुत होगी, उसके बाद ये चलने के लिए तैयार है। तैयार तो अभी है, पर ये अभी उसके सऊदी के कानून में अभी सेफ्टी लगेगा ना, दोनों साइड में इस सेफ्टी लगा, साइड में सेफ्टी लगेगा, बस इस्तेमाल वगैरह कागज़ पूरे करेंगे इधर के। अच्छा, नाम तो मैंने आपसे नहीं पूछा, वीडियो के शुरू में पूछते हैं, ज़रा ऑडियंस को बता दें, मेरा तो आप चाचा है ना, मुझे तो पता है। मेरा नाम अला दिवाया है, अला दिवाया, हम तहसील तरागंग में, अच्छा, ज़िला चकवाल में। अच्छा, हाँ जी, ठीक होगा जी। ये मलिक अला दिवाया खान हमारे साथ थे, इनसे ज़रा हमने गपशप की, क्योंकि मैं तो कैमरा मैन बना हुआ हूँ, तो थोड़ी सी जो कमेंट्री करनी पड़ती है वो चाचा को मैंने की है कि आप करें, ठीक है जी। ये हमारी वर्कशॉप है, अभी तो ये क्लोज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ के रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक अभी शहर में आप वर्कशॉप नहीं बना सकते, तो ये वर्कशॉप अभी बंद हो गई है। इन्होंने एक और नई वर्कशॉप बनाई है, कभी जिंदा रहे तो आपको वो दिखाएंगे, वो तो काफ़ी क्या बड़ी वर्कशॉप है, लंबी चौड़ी, ऐसा भी नहीं है उसका। अच्छा, मैं तो यहाँ पे जब आया था ना 2015 में, अगस्त 2015 में, तो ये सामने जो आपको 2 रूम नज़र आ रहे हैं, इनमें से जो राइट वाला है ये ड्राइवरों का रूम हुआ करता था पाकिस्तानियों का, और यहाँ पर जो है ना पहली ब्रेक मेरी यहाँ आके लगी थी टैक्सी की, मैं यहाँ उतरा था। तो ठीक है चाचा, अल्लाह हाफिज़। मेहरबानी, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।